हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवरानी जेठानी की रसोई। आज हम बना रहे हैं मैगी पिज्ज़ा। जी हाँ, सही सुना आपने, मैगी से पिज्ज़ा। कभी कभी पिज्ज़ा खाने का मन होता है और पिज्ज़ा बेस हमारे पास होता नहीं है। मैगी सबकी फेवरेट है, सभी के घर में अवेलेबल हो जाती है, तो उसी मैगी से हम आज पिज्ज़ा का बेस बना रहे हैं और उससे बनाते हैं मसालेदार चटपटा मैगी पिज्ज़ा। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं हमारी रसोई में और बनाते हैं मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 पीस मैगी ली है और एकदम वैसे ही मैगी बनाएंगे जैसा कि हम रेगुलर में बनाते हैं। दोनों का मसाला इसमें मिक्स कर देंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसे 80% ही कुक करना है, क्योंकि थोड़ा सा कुक पिज़्ज़ा बनाते टाइम भी इसे हमें करना है। तो जैसे ही हमें लगे ये कि 80% कुक हो जाती है, 1 से 1.5 टीस्पून हमें भर कर इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और इसका बेस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ताकि हम इसे जो शेप दे सकें वो शेप दे पाएँ। मैगी तो बनकर तैयार हो गई है, अब इससे हमें बनाना है पिज़्ज़ा। इसके लिए हमने एक दूसरा पैन लिया है, उसे हम तेल से सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीस करेंगे और फिर कुक्ड मैगी को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और एक राउंड शेप पिज़्ज़ा का जैसे देकर इसे पैन में फैला लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसे 6 से 7 मिनट तक एक ही साइड में सेक लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से अच्छे से सिक गई है। अब हमें इसे पलटना है। पलटने के लिए हमने क्या किया है, एक पैन को इसी के ऊपर उल्टा रख दिया है ताकि ये आसानी से पलटा जा सके। इसे आप नॉर्मली भी पलट सकते हैं, बट मैंने यहाँ कोई रिस्क नहीं लिया है इसलिए पैन की हेल्प से इसे पलटा है। ये ऊपर की साइड से एकदम सिक चुका है, तो सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर हम चीज़ लगाते हैं, क्योंकि बिना चीज़ के तो सभी टाइप के पिज़्ज़ा अधूरी है। कुछ शिमला मिर्च और प्याज हमने कट कर लिया है, उन्हें भी हम अच्छे से रखेंगे। साथ में कुछ कॉर्न हमने लिए हैं, उन्हें भी हम गार्निश करेंगे। वेजेस लगाने के बाद फिर से हम एक बार थोड़ी सी चीज़ इस पर और लगाएंगे, साथ में ओरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स इस पर स्प्रिंकल करेंगे और इसे ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए इस पर पिज़्ज़ा मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर ढककर रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। देखने में लग रहा है ना एकदम डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा, खाने में भी है, लेकिन इसके लिए आपको इसे ट्राई तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और स्प्रिंकल करते हैं और अब इसे कट कर लेते हैं। एकदम क्रिस्पी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है, तो जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।